वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। बेटा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं बता दूं ये किस बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है। आइए सपोज बेटा आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, और मैं कहता हूं मैंने आपको रीच करवा देना है 4 रुपीज पर, यानी 4 रुपीज पे लेकर आना है आपको। आपसे मैं 2 रुपीज पर मिनट, ये जो ऑब्लिक का साइन होता है इसका मतलब होता है पर मिनट, यानी हर मिनट में 2 रुपीज आपसे मैं लेता रहूंगा। तो 10 से मैं आपसे पहले 2 रुपीज लिया, आप 8 पर आ गए, तो 1 मिनट निकल गया, 1 मिनट में आप 8 पर आ गए। फिर आप 6 पर पहुंच गए, 2 मिनट। फिर आप 4 पे पहुंच गए, 3 मिनट, यानी 3 मिनट में आप 4 पर पहुंच जाओगे। लेकिन बेटा ये इस तरीके से पहुंचना ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मान लो 1000 से हमें पहुंचना हो 525 पे, तो हम ऐसे 2-2 करके थोड़ा ना पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका मैं आपको सजेस्ट करता हूं, वो क्या है। सबसे पहले आप देखो आप कहां पर हो और आपको कहां पर पहुंचना है, ठीक है, यानी आपको कितना फॉल करना है आपको, ठीक है, यानी 10 हो 4 पे पहुंचना है, तो 10 में से 4 माइनस कर दो, यानी 6 यूनिट आपको फॉल चाहिए, पहली चीज। दूसरा आपको जो इसमें कंसीडर करना है वो है रेट, किस रेट पर फॉल हो रहा है। ये रेट होता है 2 रुपीज पर मिनट फॉल हो रहा है ना, क्लियर। बस इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6 डिवाइड किया, 3 मिनट, यानी 3 मिनट में आप 10 से 4 पहुंच जाओगे। आपका भी तो 3 मिनट आ रहा था, लेकिन आप ऐसे इस तरीके से कर रहे थे, क्लियर। तो अब यही क्वेश्चन है, ये आओ क्वेश्चन को समझ लें। बेटा एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, समझ लो आप, ठीक है। बेटा क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपको सिचुएशन समझ आएगी सारी। डिसेंड का मतलब होता है फॉल करना, यानी लिफ्ट फॉल करती है ना, क्लियर। इनटू अ माइन शाफ्ट, शाफ्ट होता है जहां पे लिफ्ट लगी होती है वो एरिया, ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी लिफ्ट कैसे फॉल करेगी 6 मीटर पर मिनट, जैसे आपके भी मनी फॉल कर रही थी ना 2 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर, यानी उसका फॉल कहां से स्टार्ट करेगा, 10 मीटर से अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड का मतलब होता है +10, बिलो द ग्राउंड होता तो यहां पे हम लेते -10, यानी जैसे आपकी मनी 10 रुपीज से स्टार्ट हुई थी ना फॉल करना, ऐसे ही इधर भी लिफ्ट फॉल करेगी 10 मीटर प्लस से, ठीक है, फॉल आनी शुरू होगी, क्लियर। आपको पता है जो लिफ्ट होती है जमीन के ऊपर अगर भी जा सकती है और जमीन के नीचे भी, आपको पता है ना बेसमेंट में मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो अगर ये ऊपर है, मान लो फ्लोर के ऊपर है, तो हम इसको कहते हैं भी ये हाइट पे है, प्लस हाइट पे, यानी 10 मीटर हाइट पे है। आपको इसको नीचे लेके जाना है बेसमेंट पे, किस लेवल पे रीच कर, कहां पे करवाना है आपको, -350 मीटर, क्लियर। ठीक उसी तरह जैसे आप 10 पे थे 4 पे रीच करवाया था, इधर लिफ्ट +10 पर है, हमें रीच करवाना है -350 पे, क्लियर। टू रीच किस लेवल पे रीच करना है लिख दिया करो बेटा, सारी इंफॉर्मेशन अगर लिख दोगे तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। कितना फॉल आपको चाहिए, कितना फॉल चाहिए था, कैसे निकाला था, जहां पर हो, जहां पर रीच करना है माइनस किया था, 10 पर हो आप माइनस करो, कहां पर रीच करना है, -350 पे रीच करना है, क्लियर है, ये हाई अलर्ट जोन है, क्लियर। अब 10 350 के साइन क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस 350, 10 प्लस 350 कितना हो गया बेटा 360, क्लियर। यानी कितना फॉल हमारे को करना है 360, जैसे आपके क्वेश्चन में 6 यूनिट्स फॉल करना था, इस क्वेश्चन में 360 यूनिट्स फॉल करना है, क्लियर है। अब टाइम टेकन कैसे निकाला था बेटा, जितना फॉल आपको चाहिए वो लिख लो, कितना फॉल चाहिए हमारे को इस क्वेश्चन में 360, डिवाइडेड बाय किस रेट पर, आपके क्वेश्चन में रेट था 2, लेकिन इधर रेट है 6 मीटर पर मिनट, तो अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया बेटा 60 मिनट, इतना टाइम लगेगा लिफ्ट +10 से -350 पे चली जाएगी, तो इज इक्वल टू 1 आवर। आपको पता है ना 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिखना ठीक नहीं रहता, आवर में लिखना चाहिए अगर मिनट ज्यादा आ जाए तो, गॉट इट। तो बेटा आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बाकी तो बेटा प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा इसी में पूछ लेता हूं, ठीक है। लिफ्ट को
10 मीटर से, ठीक है बेटा, 250 मीटर पे फॉल करवाना है, -250 पे। क्लियर? आंसर देना मुझे कमेंट में। और आपका जो रेट है वो 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है? बताओ कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताइए, बताएंगे आपको सही है या रॉन्ग है। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। और सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताया करो अगर आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है तो। थैंक यू सो मच।